मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी पसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर करी ना देखो फंस गई करीना, कह पाए सच कभी ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो चंचल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। करीना करीना में अब तक तुम उसे शादी करने वाले थे, यहाँ लाके प्रेम से शादी करवा रहे हो। मिसेस सूद इधर देखिए, आपने मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया है। सच क्या है? अरे क्या हुआ? मैं ही मिसेस सूद हूँ। क्या कह रही हैं आप? आप भी मिसेस सूद है? कहाँ से? चंडीगढ़ से। हे भगवान, ये कैसा इत्तेफाक है? मेरा ये झूठ का सिलसिला कब का खत्म हो गया होता अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आए होते। मेरे इस झूठ की सबसे अहम वजह हो तुम। The problem is that I love you। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही सच है कि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और हमेशा करती रहूंगी। काश मेरे सारे झूठों के साथ तुम ये सच भी जान लेते। जिया दीज, तुम रोते हो ना, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बेटा मत रो, वाहे गुरु की कृपा थी, मुसीबत आई लेकिन बगल से टल गई। दीज, ये बात बहुत गलत है। तुम हॉस्पिटल आई और मेरे लिए फल भी नहीं लेकर आई। फल? वो तुम्हें इतनी जल्दी में फल वो ले आए थे, वो मिस्टर और मिसेस जिया पुत्र, क्या नाम बताया था उन्होंने? कहाँ बताया नाम? हाँ, उन्होंने नाम ही नहीं बताया। बहुत भले लोग हैं, वो झट से हमें हॉस्पिटल ले आए, हमें हिम्मत दी, वरना अकेले मैं तो घबरा जाती। लगता है वो चले गए। जी वो मामा और बूजी को कुछ जरूरी काम था इसलिए चले गए, मगर मैं यहाँ। आप मतलब? मैं उनका बेटा हूँ। क्या नाम है बेटा? तुषार। आपको कहीं? मॉम, हम इन्हें मंदिर में मिले थे ना आज सुबह। हाँ हाँ बेटा, ये मेरी दो बेटियां हैं, करू और। हाय, आम जिया। बहुत भले इंसान है। एकदम फिल्मी सीन की तरह, पहले मंदिर में, कट टू हॉस्पिटल, अब अगले सीन में कहाँ मिलेंगे? अगले सीन में तो मैं तभी आऊंगा जब इस सीन से जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ, कोई जरूरत हो तो याद कर लीजिएगा। जिंदा रहे पुत्र, बस तुमने कह दिया यही हमारे लिए काफी है। चलता हूँ। करू, तू क्यों इस तरह खड़ी है? चल अंदर चल। चल तू लेट जा। एक्सक्यूज मी सिस्टर जी, वो कैजुअल्टी वार्ड किधर है? अच्छा, तुम आप वे, तू क्यों हर जगह मेरे रास्ते में टपक पड़ता है? आपका रास्ता? देख, मेरे से ज्यादा चुहल मत कर, आज मैं बहुत जल्दी में हूँ, तेरे को किसी दिन और देख लूंगा। वैसे आप बिल्कुल सही जगह जा रहे हैं, अंदर जाके हॉस्पिटल में डेरा डाल लीजिए, मुंबई की सड़कों पर लड़ाई कम होगी। मेरे को गुस्सा मत दिला, मैंने बोला ना आज मैं तेरा जल्दी में हूँ, वरना तेरे जैसे लुच्चे लफंगे को तो मैं अभी मजा चखा। किससे झगड़ा कर रहे हैं आप? अरे ये तो बहुत भला इंसान है ये, और नेक बंदा न। 100 नेक मरे होंगे जिस दिन ये पैदा हुआ था, जब से मुंबई में आया हूँ मेरे पीछे पड़ा हुआ है। उस दिन सड़क पर मेरे ऊपर कीचड़ उछाल दी, उसके बाद वहाँ पार्टी में मेरे साथ बदतमीजी की, और आज यहाँ हॉस्पिटल में। नहीं, ये कोई नेक वेक बंदा नहीं है, एक नंबर का लुच्चा लफंगा है, इसकी भोली बाली सूरत पे मत जाना। दादू रहने दीजिए। बोल दे इससे कि चंडीगढ़ वालों से पंगा ना लिया करे। हाँ क्यों,
चंडीगढ़ वाले क्या दूध के धुले होते हैं? और तेरे मुंबई वालों से तो कहीं ज्यादा अच्छे हैं। चंडीगढ़ वालों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं, एक नंबर के झूठे होते हैं। बेटा, बाबूजी पराए शहर में आकर हर किसी से झगड़ा नहीं करते। खैर छोड़, पुत्र तू बता, तू कैसी है? बहुत ही बुरा हाल है दादू। डॉक्टर ने कहा है 2 दिन तक कहीं बाहर मत निकलना, बस घर में लेटे लेटे ऋतिक रोशन की फिल्में देखना। ये और मुसीबत है। खैर छोड़, तू मुझे बता कि किस बंदे ने तेरे को टक्कर मारी, मैं ना उसको देख लूंगा। लो, जब यहाँ था तब तो देखा नहीं। क्या मतलब? यानी कि इसी ने मारी थी? दादू उसे नहीं, उसके माँ बाप की कार से। ओहो, यानी कि पूरा खानदान ही ऐसा है। दादू प्लीज चलिए घर चलते हैं, अगर इस तरह सड़क पर गुस्सा करते रहे तो फिर से एक्सीडेंट हो जाएगा। चलिए 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 चलिए। ऑटो चमत्कार किसके लिए जाऊं? तुषार के लिए, जिसे मेरी सारी सच्चाई पता है, जो मुझसे नफरत करता है, जिसे मैंने धोखा दिया है। ये रेजिग्नेशन लेटर भी कोरियर से भिजवा दूंगी। मगर नीलू जी और त्रिभुवन जी, उनको तो सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। करो पुत्र, ऑफिस का काम ना तू ऑफिस में किया कर, दो पल भी हमारे साथ बैठती नहीं है। सॉरी दादू, मैं आप लोग को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। क्या बात है पुत्र, बहुत परेशान लग रही है। दादू मैं थक गई हूँ। ना हुआ क्या है? जब दिल और दिमाग के बीच जंग छिड़ी हो तो किसका साथ देना चाहिए? दिल का, लेकिन दिमाग से सोच कर। लेकिन इस वक्त तू सोचने बैठेगी ना तो ऑफिस छूट जाएगा, फिर वहां पे डांट पड़ेगी। ओह माय गॉड दादू, मैं तो ऑलरेडी लेट हो गई। थैंक गॉड आपने मुझे याद दिला दिया। ओके बाय दादू। बाय। हद हो गई, 11 बजने को आए, अभी भी करना का पता नहीं है। यही तो हम कह रहे हैं बाबू। ठीक है, आप जरा चुप रहिए। आ जाएगी बेचारी, कहीं फंस गई होगी। बेचारी फोन नहीं कर सकती है। आउट कर। ठीक है, देखिए आपको गुस्सा होना ही है ना तो मुंबई के ट्रैफिक पे होइए। बस जहाँ 10 मिनट में पहुंचना होता है वहाँ घंटा भर लग जाता है। तो फिर 1 घंटा पहले निकल सकती है। यही तो हम कहेंगे। अरे टिल्लू को तो आप जानती है ना, जब तक उसको नहला धुला नहीं लेगी कैसे आएगी बेचारी। टिल्लू को नहलाने में 1 घंटा लगता है? नहीं, 2 घंटा। क्या बोलता? सही बोलता है। अरे 2-2 घंटे तक पानी का इंतजार करती रहती है बेचारी। हम नहीं मानते। हम भी नहीं मानते कि इस शहर में पानी की प्रॉब्लम है। हम कहाँ कह रहे हैं कि पानी का प्रॉब्लम है। फिर लाइट, लाइट का प्रॉब्लम है। लाइट, लाइट की प्रॉब्लम जो है मुंबई में है नहीं। आप क्या बात कर रहे हैं? और लाइट से नहाने का क्या मतलब? देखिए अब लाइट होगी तभी तो पानी ऊपर चढ़ेगा, पानी ऊपर तभी तो चढ़ेगा ना। अब थोड़ी देर के लिए लाइट आती है तो पानी ऊपर चढ़ता, अब तब तक इंतजार करो। हम नहीं मानते। हम भी नहीं मानते। अरे भाई हम कहाँ कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि पानी और लाइट का प्रॉब्लम है। लो, अभी तो आप यही कह रहे थे। नहीं, सोसाइटी, सोसाइटी का प्रॉब्लम है। अब पैसा नहीं भरेंगे तो बिजली और पानी तो कट ही जाएगा ना। बस बस, सोसाइटी के बाद अब हर फ्लैट वालों की प्रॉब्लम बताना शुरू कर देंगे। मैं जान गई हूँ करीना क्यों लेट है। तो फिर वही तो हम समझाना चाह रहे हैं। बस भैया जी बस। भाभी जी देखिए, आप बुरा ना मानिए, हम कहना ही चाह रहे हैं कि हमरे रहते हुए चमत्कार में किसी की कमी काहे महसूस हो रही है। देखिए आप करीना का काम नहीं कर पाएंगे। काहे? देखिए ये तो बहुत इंसल्ट वाली बात है भाभी जी। कौन सा काम है ये चमत्कार में जो हम नहीं कर सकते, वो कर सकती? कॉन्फ्रेंस है औरतों की सिंगापुर में, इसीलिए उसे भेज रही हूँ मैं। करीना सिंगापुर जा रही? कहिए तो आपको भेज दूं? ना हुआ, औरतों के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। अरे काहे नहीं जाएंगे है? ऐसा कौन सा काम है जो महिलाएं कर सकती हैं और मर्द नहीं कर सकते? जाएंगे हम और दिखा देंगे इन महिलाओं को कि हम मर्द महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। अच्छा, आप तो अस्पताल जाने की तैयारी शुरू कर दीजिए। आप ही के लिए मैंने जाना कैंसिल कर दिया, मैं करीना को भेज रही हूँ। हमारे लिए? और नहीं तो क्या,
आपकी शुगर तो महंगाई की तरह बढ़ती जा रही है, पता है कितनी हुई? हम क्या करेंगे जानकर, क्यों पीके काहे को टेंशन मोल ले, है ना? 200-300 तो हमारे लिए नॉर्मल है। एक्सक्यूज मी, 400 से ऊपर है। ऊपर से परहेज तो करते नहीं आप। बस आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। भाभी जी ने हमसे कहा कि पीके जी आपके सिंगापुर जाए बिना काम चलने वाला नहीं है, तो हमने कहा भाभी जी हम क्या करेंगे जाके, किसी और जूनियर को भेज दीजिए, कुछ सीख ही जाएगा भाई। तो सर आपने किसका नाम लिया? पांडे। पांडे नहीं सर, देश पांडे कहिए ना। हाँ भाई एक बात है, देखो क्या है कि हम जो है बहुत इमोशनल आदमी, सीधी सी बात, हमसे आंसू जो है किसी को देखे नहीं जाते। खुशियां बांटने का मन कर गया, इसलिए करीना का नाम ले लिया। अब देखो दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है भाई, आप लोगों को बहुत मौके आने वाले हैं अभी चमत्कार में। अब रिसेंटली जो है अमेरिका जाने का मौका आ रहा है, प्रॉमिस कर रहा हूं आपको भेजूंगा बस, और आप लोगों को भी ना। बड़ी देर कर दी आपने, काम था पीके जी। मुबारक हो करीना। मुबारक किस बात के लिए? सिंगापुर जाने की। सिंगापुर? अरे भाई हमने ये सोचा कि आपको थोड़ा चेंज मिल जाएगा, इसलिए सिंगापुर भिजवा देते हैं। और हाँ, मेरे नाम से एक डिओडेंट जरूर लेके आइएगा। और मेरे लिए मिठाई भी। भाई मेरे लिए कुछ मत लाना, आप वहाँ इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में जा रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। We are so proud of you. वाह क्या बात है, बहुत अच्छे। लेकिन आप काहे उदास हो, क्या बात है करीना जी? करीना आपकी छोटी बहन तो ठीक है ना? छोटी बहन? हाँ, कल जब आप ऑफिस में नहीं थी आपकी मॉम का फोन आया था। एक मिनट, करीना जी की माताश्री का फोन आया था? हाँ। का कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जिया का एक्सीडेंट हो गया है। जी? अरे एक जिया तो कल भाभी जी की गाड़ी से टकराई गई। ये जिया कौन है? किसी लड़की का नाम लगता है। नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आपकी बहन? वो तो चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़? यहाँ एक जिया हुआ, ये संभव है का? नहीं नहीं हो भी सकता। एक मिनट करीना जी, देखो अपने दादू जी से एक बात पूछिएगा, उनको तो मालूम है ना कि एक शक्ल की दुनिया में 7 लोग होते हैं, तो एक नाम के कितने लोग होते हैं, पूछिएगा जरा। जी पीके जी, मैं पूछकर बताऊंगी। हाँ ठीक है, बताए। मुंबई में जिया, चंडीगढ़ में जिया, वो दोनों का एक्सीडेंट एक साथ में। अरे करीना जी, भाभी जी बुलाया आपको मैं। इस चमत्कार में मैंने हमेशा दुल्हन बनकर आने का सपना देखा, और आज छोड़कर जा रही हूँ। कैसे नीलू जी के पास जाऊं और सच्चाई बताऊं? कितना भरोसा करती हैं मुझ पर, सिंगापुर किस शान से भेज रही हैं, चमत्कार के सारे लोग कितना प्यार करते हैं, कितना अपनापन मिला है मुझे इस जगह से, कैसे इन लोगों को बताऊं? मैंने अपनी जिंदगी में बेशर्म लोग तो बहुत देखे, मगर तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा। कौन सी मिट्टी की बनी हो तुम? अगर ये सब किसी और के साथ होता तो वो अपनी नजरों में इतना गिर जाता कि चमत्कार वापस कभी नहीं आता, मगर तुम? मैं चमत्कार छोड़ने आई हूँ। तो रेजिग्नेशन लेटर भेज देती, या फिर ये सोच के आई हो कि कोई आखिरी झूठ बोल दोगी और यहाँ सब चमत्कार में तुम्हें रोक लेंगे? मैंने झूठ ना बोलने की कसम खाई है। ओ। जिस वजह से झूठ बोला था अब वो वजह ही नहीं रही। ओ, झूठ ना बोलने की कसम, शायद तुमने वो कहावत नहीं सुनी, झूठा हमेशा झूठा ही रहता है। मैं अभी नीलू जी के पास जाती हूँ और सब कुछ सच बता देती हूँ। करीना देखो, मैं तुम्हारे पास सिर्फ ये कहने आया हूँ कि जो मेरे ऊपर गुजर रही है उनके ऊपर ना गुजरे। वो लोग तुम पर बहुत भरोसा करते हैं, बहुत प्यार करते हैं तुमसे, कहीं तुम्हारे झूठ सुनकर इंसानियत से उनका भरोसा ना उठ जाए। अपने बच्चों की तरह प्यार दिया है तुम्हें, ये धोखा वो सह नहीं पाएंगे करीना। तो तुम चाहते क्या हो? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम चमत्कार छोड़कर चली जाओ, हमेशा हमेशा के लिए, अपने सारे झूठ अपने साथ लेकर। और मैं छोड़ने की क्या वजह बताऊं? चमत्कार में जब तुम आई थी तो झूठ बोलकर आई थी, मेरी जिंदगी में जब आई थी तो झूठ बोला था, फिर अब तो सिर्फ छोड़ने की बात है, कोई भी झूठ बोल दो, बहुत आसान है तुम्हारे लिए। अरे नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, अभी कुछ देर में मैं करीना का पासपोर्ट आपके ऑफिस में भिजवा देती हूँ। हाँ थैंक यू।
ठीक है, हद कर दी करीदाने, कहाँ गायब हो गई ये लड़की? भाभी जी परेशान मत होइए, करीना जी आ गई है। आ गई? कहाँ? कहाँ का मतलब है भाई, हमरे रहते हुए सब अपनी डेस्क पे होते हैं, डिसिप्लिन भी कोनो चीज है। ठीक है, जाइए करीना को बुलवाइए। अरे भाभी जी ये गुत्थी उलझ गई है, कल जो है दो दो जिया का एक साथ एक्सीडेंट हुआ। दो दो जिया? हाँ, एक वो जिसको आपने टक्कर लगा दी, मतलब जो आपकी कार से टक्कर खाई वो जिया, और दूसरी करीना की बहन जिया। करीना की बहन? हाँ भाई, ये कहा एक्सीडेंट की बात लेकर बैठ गए, मत कीजिए ये बात, हमको तो बहुत घबराहट होती है, हमारी शुगर बढ़ जाती है। क्या बात कर रहे हैं भैया जी, जब घबराहट होती है तो शुगर नहीं बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बात करते हैं आप। ओहो, दिल के घबराहट से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और एक्सीडेंट की घबराहट से शुगर बढ़ती है। जब कुछ पता ना हो ना तो बीच में मत बोला कि क्या। ठीक है, एक्सीडेंट की बात नहीं करेंगे, चुप करिए। लेकिन भाभी जी पता तो चले कि दूध का चक्कर कहाँ है। दूध के चक्कर में दो बच जाएंगे, ऑफिस बंद हो जाएगा, काहे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, फिर कैसे जा पाएगी करीना सिंगापुर। सही कह रहे हैं आप, जाइए करीना को बुलवाइए। हाँ जी जी, जाइए ना, देख क्या रहे। एक मिनट, क्या बात है भाई, आजकल बहुत हमका डांट खिलवाती रहती हैं भाभी जी से, बारा बहुत हाई है उनका, फौरन बुलाया आपको, जाइए। ठीक है, लेकिन आप प्लीज ये लिफाफा उन्हें दे देंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है? कृष्णा समझ रखा है क्या हमका? वो कृष्णा भी कम वक्त सुबह से मिल नहीं रहा, उसे ढूंढ रहा हूँ। प्लीज पीके जी, दोबारा आपसे कोई काम नहीं कहूंगी, प्लीज इस बार ये लिफाफा उन्हें दे दीजिए। ठीक है, आप इतना प्लीज प्लीज कर रही है तो दे देता। पीके जी आप बहुत अच्छे हैं। बस बस, बहुत ही कम, जा रहा हूँ, अपना काम निपटा के फौरन आई उनके पास। शादी करोगी मुझसे? हाँ, मैंने तो चमत्कार कब का छोड़ दिया होता, लेकिन तुम एक झोंके की तरह आए और मेरे दिल पर छा गए। पर आज मैं चमत्कार से जा रही हूँ, लेकिन मेरा दिल हमेशा यहीं रहेगा। क्या बात है भाभी जी, ऐसा क्या लिखा है करीना ने? तुषार कहाँ है? लगता है कोनो नई मुसीबत आ गई। समझ गए बबुआ, करीना के साथ कुछ खटपट हुई है, हैं? अरे बबुआ, ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, लेकिन एक बात पक्की है, इतनी भोली, इतनी सुशील, इतनी समझदार और सुंदर भी, अरे ऐसी गुणवान लड़की ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। देख लो करीना, कैसे भोले हैं मेरे बूजी, तुमने इन सब लोगों के दिलों से खेला है, मेरी नफरत हर पल तुम्हारे लिए बढ़ती जा रही है। तुषार, ये सब क्या है? क्या हुआ, का लेकर आई हाथ में? करीना चमत्कार छोड़कर चली गई है।
इसका जब मन करे दो लाइन लिख दे और चल दे। पर ऐसा हुआ कहा कि वो बिना बताए छोड़कर चली गई? मुझसे क्यों पूछ रहे, अपने बबुआ से पूछिए। मुझसे? हाँ तुमसे। पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो। मैं जा रही हूँ। किस लिए जा रही हूँ? इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ तुषार पांडे है। आप उनसे ही इन सब बातों के बारे में पूछ लीजिएगा। त्रिभुवन जी को मेरा नमस्ते। तुषार, ऐसी कौन सी बात तुम दोनों के बीच हुई है? तुमने ऐसा क्या कहा जिसके लिए चमत्कार छोड़कर जाना पड़ा करीना को? आखिर करीना चमत्कार छोड़कर क्यों चली गई? इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा।